बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा एक दिन जो है वो मैं किस तरह से स्पेंड करता हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जब भी फजर टाइम उठने की कोशिश करता हूँ, नमाज़ अदा करता हूँ, और हम सबको नमाज़ अदा करना चाहिए। और उसके बाद नमाज़ अदा करने के बाद जो है वो मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो होता है जिम के लिए, और क्योंकि अपनी जो एक्सरसाइज है उसको करना भी ज़रूरी है। और इसी तरह से मैं आपके साथ डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें मैं पूरे एक दिन के अंदर करता हूँ, और वो आप सारा कुछ जो है वो इस वीडियो में देख सकेंगे। तो आगे हम इसको देखते हैं स्टेप बाई स्टेप। जी तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आता हूँ अपने ऑफिस में, और इसमें ट्रेडिंग में सबसे खूबी है ये कि हम किसी भी ड्रेस में आ सकते हैं, और इसमें कोई हमें उस तरह से ऑफिस के लिए या वो चीज़ रेडी होने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्लासेस का बता दूँ, ये मैं क्योंकि स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, यहाँ पर भी आप स्क्रीन देख रहे हो, ये भी स्क्रीन है, तो ज़्यादातर काम जो है वो स्क्रीन के इर्द गिर्द रहता है। तो इसके लिए मैं ब्लू कट जो ग्लासेस हैं वो लाजमी यूज़ करता हूँ ताकि अपनी आई साइड को जो है ना वो अच्छा रखा जा सके। उसके बाद यहाँ पे मैं साथ जो है ना वो शेक और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेता हूँ सुबह, क्योंकि जिम के बाद या तो इस टाइम स्टार्ट करते हुए। इसमें यह है कि आप जब भी अर्निंग करते हो या आप अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जो एक इन्वेस्टमेंट है वो अपनी खुराक पे भी करनी चाहिए। अच्छा खाना आपको खाना चाहिए, ज़्यादा खाना ना भी खाएं लेकिन अच्छा खाना ज़रूर जो है ना वो आपको खाना चाहिए, ताकि एक हेल्दी लाइफ जो है वो भी ज़रूरी है अर्निंग करने के साथ साथ। अच्छा, यहाँ पर ट्रेडिंग के हवाले से थोड़ा सा सेटअप मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये जो एरिया है ये इसमें 6 स्क्रीन लगी हुई हैं, इसमें डिफरेंट चार्ट्स मैंने ओपन किए होते हैं और ये रेगुलर चलते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने जितनी भी पूरे वीक में ट्रेड्स करनी होती हैं, जैसे ज़्यादातर आपको पता है मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसमें जितने भी हमने वीक में ट्रेडिंग करनी होती हैं वो सारा यहाँ पे लाइव रहता है, और डिफरेंट चार्ट्स मैं ओपन करके रखता हूँ ताकि उसके डिफरेंट टाइम फ्रेम्स और उसको देखा जा सके कि कौन से ऐसे पेयर्स हैं जिसपे पूरे वीक में मैंने ट्रेड करना है, या कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो एक ट्रेड दे रहे हैं इस वीक में। उसके साथ यहाँ पे ये वाला जो है मैं पैड यूज़ करता हूँ इसके लिए, जर्नल्स के लिए, क्योंकि ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि जर्नल्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग करते हो। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो भी बनाऊँगा कि जर्नल्स कैसे बनाए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं दुनिया के अंदर, जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिनके पास कैपिटल अच्छा है और इसको एक फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, वो जर्नल्स लाजमी बनाते हैं। जर्नल्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि आपने क्या गलतियाँ की हैं, क्या आपने उसमें सही किया है, तो वो रोज़ाना बेसिस पर लिख के आप अपनी ट्रेड्स को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप लिखेंगे नहीं, नोट नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, वो जो स्क्रीन है वहाँ पे मैं एक ओवरऑल उसमें डाटा देता है, लेकिन ये जो स्क्रीन है, ये आप 2 बड़ी स्क्रीन देख रहे हो, इसमें मैं उस डाटा से लेते हुए कि कौन कौन से ऐसे चार्ट्स हैं जो कि मुझे ज़्यादा देखने हैं और जिन पे मैंने ट्रेड्स करनी है, वो मैं यहाँ पे ओपन करके रखता हूँ। और ये लैपटॉप सुबह आते जैसे ही हमारा ये काम ख़त्म होता है तो सबसे पहले मैं क्योंकि एक्सनेस इस्तेमाल करता हूँ, आपको भी पता है, और एक्सनेस एक ऐसा ब्रोकर है जिसके साथ मैं काफ़ी टाइम से काम करता आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने सारे अकाउंट्स देखता हूँ जो कि मेरे एक्सनेस के साथ हैं। आप भी ओपन कर सकते हो। इसके अलावा इनके टूल्स में अगर आप चले जाओ तो इकोनॉमिक कैलेंडर्स इनका बड़ा जो है ना वो अच्छा है, जो कि आपको एक डेली बेसिस पे ओवरव्यू देते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप रोज़ाना बेसिस पे सबसे पहले अपने जो डाटा है, कौन कौन से डाटा आने वाला है, उसको आप देख सकें। तो उसके लिए फॉरेक्स फैक्ट्री को भी यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्सनेस हमें एक किसी वजह से ऊपर ही डिफरेंट टूल देता है जो कि हम इसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अगर आप रिडीम पैसा बनना चाहते हैं तो रिकमेंडेड जो ब्रोकर्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ मिलकर आप भी ट्रेड कर सकते हैं।
तो इसी तरह से ये जो जार्स हैं, ये जार्स को मैं यहाँ पे क्योंकि वहाँ से एक फिल्टर करके यहाँ पे लाया हूँ जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके साथ मैंने काम करना है। तो उसके बाद इस लैपटॉप को मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, और यहाँ पे मेरे मेन अकाउंट्स जो है ना वो लॉग इन रहते हैं, और यही एक इस तरह से सेटअप है। और यहाँ पे एक और भी है कि PS5 जब थोड़ा सा रिलैक्स हो या अभी ट्रेडिंग का वो ना हो तो ये भी इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये थोड़ा बहुत गेम वगैरह या इस तरह वो मैं अपने एक अपने आप को फ्रेश रखने के लिए भी यूज़ करता हूँ। ट्रेडिंग करने के साथ साथ मैं क्योंकि एक यूट्यूब पे वीडियोस भी आपके लिए बनाता हूँ रेगुलर बेसिस पे, और भी डिफरेंट चैनल्स हैं यूट्यूब पे, लेकिन ये है कि मैं ट्रेडिंग के हवाले से लगातार वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोग सीख सकें इससे। और उसके लिए मैं जैसे अभी रिकॉर्डिंग अगर करता हूँ तो ये मेरा चैनल एक तो फॉरेक्स सीखो, आपको पता ही है, जिन दोस्तों को नहीं पता हो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करें लाजमी। और यहाँ पे फिर मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, ये मेरा कंसोल है और जिससे मैं अपनी ऑडियो को मिक्स करता हूँ, या इसमें डिफरेंट चेंजिंग लाई जा सकती हैं जो कि ऑडियो के लिए बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद हम इसको एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद आप उन सारी वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखते हैं, और ये सारा भी किसी एक पूरी लाइफ जो एक डे आप कह लो कि एक दिन गुजारने का मेरा तरीका गुजार है, उस रूटीन के अंदर ये भी शामिल है कि मैं अपने YouTube चैनल के लिए लाजमी वीडियो बना। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर जो है वो अमेरिकन सेक्शन में ट्रेड करता हूँ, और जैसे टाइम मिलता है तो मैं घूमने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, और डिफरेंट एरियाज़ जो है वो मैं विज़िट करता हूँ। UAE ऑलमोस्ट मैंने सारा ही देखा हुआ है, और हर जगह पे कभी ना कभी चक्कर लगता रहता है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ भी जा चुका हूँ, और आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ घूमने का इरादा भी रखता हूँ। तो इस तरह से फिर मैं टाइम स्पेंड करता हूँ, अगर ट्रेड्स उसमें नहीं मिलती हैं या वो सारा अपना काम कंप्लीट करके मैं मस्त जो है वो ड्राइव करता हूँ और डिफरेंट एरिया जो है वो घूमता हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे जो एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ उस जगह पे
रोज़ाना बेसिस पे ही फाउंटेन्स का काफ़ी अच्छा शो होता है, तो ये अक्सर मैं यहाँ पे भी जाता हूँ। ये बेसिकली वॉकिंग ट्रैक है और यहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं, और हर आधे घंटे के बाद ये शो भी चलता है जिसमें फाउंटेन शो है म्यूज़िक के साथ, और यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह, और इसी तरह से पूरा जो है ना वो एक एंड होता है पूरे दिन का।